हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर क्या हुआ और इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जाकर केनी ओमेगा ने क्या क्या किया है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि इस वीक की AEW की व्यूअरशिप क्या रही और इस हफ्ते के AEW के टॉप 5 रैंकिंग्स के साथ ही हम जानने वाले हैं कि WWE के बाद पॉसिबली अब AEW ने कौन से सुपरस्टार को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। तो गाइज, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज, अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की AEW की व्यूअरशिप की। तो गाइज, फाइनली AEW और WWE NXT की व्यूअरशिप बैटल खत्म हो चुकी है, जिससे कि आज के बाद इन दोनों ही शोज को अपने व्यूअरशिप में काफी तगड़ा फायदा हो सकता है। पर गाइज, जबकि अब AEW और WWE की व्यूअरशिप बैटल खत्म हो चुकी है, तो गाइज मैं आपको आज के बाद WWE NXT की व्यूअरशिप नहीं बताने वाला, क्योंकि अब वेंसडे नाइट्स वॉर नहीं है और अब इन दोनों शोज की व्यूअरशिप में कौन जीता ये देखना थोड़ा सा इलॉजिकल होगा। इसीलिए मैं आज के बाद आपको WWE NXT की व्यूअरशिप नहीं बताने वाला और आज के बाद मैं सिर्फ AEW की व्यूअरशिप को ही कवर करने वाला हूँ। पर जहाँ तक बात है AEW की व्यूअरशिप की, तो गाइज, इस वीक AEW की व्यूअरशिप ने काफी तगड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। हाँ गाइज, इस वीक जहाँ पर WWE NXT AEW के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप में टक्कर देने के लिए नहीं था, तो गाइज, इस वीक AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी ज्यादा बड़ी है। पर मैं हमेशा की तरह ही आपको AEW के इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको AEW के लास्ट वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा, जो कि थी 688 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो तब तक के AEW के एवरेज व्यूअरशिप से भी काफी कम थी। लेकिन गाइज, इस वीक AEW को उनकी व्यूअरशिप में काफी तगड़ा फायदा हुआ है। और गाइज, मैंने ये रेटिंग्स खुद से कैलकुलेट किए हैं और मेरे ये रेटिंग्स कैलकुलेट करने के बाद इस वीक जो रिजल्ट सामने आया है वो ये है कि गाइज, इस वीक की AEW की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के व्यूअरशिप के मुकाबले करीब करीब 55% ज्यादा बड़ी है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये जो परसेंटेज आपको बता रहा हूँ वो परसेंटेज मैं आपको कहीं से देखकर बता रहा हूँ। गाइज, मैंने ये परसेंटेज खुद से कैलकुलेट किया है और यही एक्यूरेट फिगर्स है। और गाइज, इस वीक की AEW की व्यूअरशिप 55% ज्यादा बड़ी है और इस वीक की AEW की व्यूअरशिप 1 मिलियन के पार जा चुकी है। और गाइज, इस वीक जो AEW को व्यूअरशिप मिली है वो है 1.219 मिलियन व्यूअर्स, जो देखा जाए तो AEW के फर्स्ट एवर डायनामाइट शो के बाद की आज तक की AEW की सेकंड बेस्ट व्यूअरशिप है। और आज से पहले AEW ने 1 मिलियन का मार्क करीब करीब 4 से 5 बार ही क्रॉस किया था। लेकिन गाइज, अब WWE का NXT का शो AEW के साथ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं है और इसका क्लियर असर हम AEW के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप में देख सकते हैं, जो कि आज तक करीब करीब 700K या फिर 800K के आसपास आती थी, वो आज करीब करीब 1.219 मिलियन व्यूअर्स आई है, जो दिखाता है कि गाइज AEW में भी पोटेंशियल है। पर जहां तक बात है 18-49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18-49 एज डेमोग्राफिक में भी AEW की व्यूअरशिप काफी ज्यादा बड़ी है। और गाइज 18-49 एज डेमोग्राफिक में AEW की व्यूअरशिप लास्ट वीक से इस वीक करीब करीब 44% ज्यादा बड़ी है। और इस वीक 18-49 एज डेमोग्राफिक के अंदर AEW की व्यूअरशिप रही 0.44, जो भी देखा जाए तो गाइज AEW के फर्स्ट एवर डायनामाइट शो के बाद उनके आज तक की डेमोग्राफिक के अंदर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है। पर जहां तक बात है ओवरऑल व्यूअरशिप और ओवरऑल की डेमोग्राफिक की, तो गाइज ओवरऑल व्यूअरशिप के अंदर AEW का डायनामाइट शो रैंक 26 के ऊपर आता है, जबकि की डेमोग्राफिक के अंदर AEW का डायनामाइट शो रैंक 2 के ऊपर आता है, जो AEW के लिए काफी अच्छी बात है। और गाइज, मुझे लगता है कि आज के बाद AEW अपनी व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर रख सकती है, तो देखना पड़ेगा कि आज के बाद AEW की व्यूअरशिप कंसिस्टेंटली 1 मिलियन के ऊपर आती है या नहीं। लेकिन गाइज, इस व्यूअरशिप के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। लेकिन गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शॉप AEW इंडिया पर नए डिजाइन्स लॉन्च हो चुके हैं। और गाइज, इस वीक जिस सुपरस्टार की डिजाइन हमारे शॉप AEW इंडिया के ऊपर लॉन्च हुए हैं वो कोई और नहीं बल्कि AEW में हाल ही में साइन हुए सुपरस्टार पॉल व्हाइट है, जिनकी इस डिजाइन की टी शर्ट अगर आप इंडिया में खरीदना चाहते हैं तो गाइज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे शॉप AEW इंडिया की लिंक मिल जाएगी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते ही इस हफ्ते की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइज, हर बार की तरह ही इस बार भी AEW ने अपने वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW के विमेंस डिवीजन से,
तो गाइज AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है थंडर रोजा, नंबर 4 पर आती है नायला रोज, नंबर 3 पर आती है डॉक्टर ब्रिट बेकर, नंबर 2 पर आती है रेड वेलवेट और नंबर 1 पर आती है टाई कॉन्टी और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और गाइज हमें इस वीक भी AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स में थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि रायो मिजुनामी टॉप 5 रैंकिंग से बाहर हो चुकी है और गाइज ब्रिट बेकर और नायला रोज इस टॉप 5 रैंकिंग में एक एक कदम आगे बढ़ चुकी है और थंडर रोजा नए से इस टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर आ चुकी है। पर गाइज जहां तक बात है AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं FTR, नंबर 4 पर आते हैं वार्सिटी ब्लॉन्ड्स, नंबर 3 पर आते हैं द बुचर और ब्लेड, नंबर 2 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस और नंबर 1 पर आते हैं SCU और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। पर जहां तक बात है इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज हमें इस वीक भी AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स में थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि गाइज बियर कंट्री को इस टॉप 5 रैंकिंग से बाहर कर वार्सिटी ब्लॉन्ड्स इस टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं। पर जहां तक बात है AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं पावर हाउस हॉब्स, नंबर 4 के ऊपर आते हैं कोडी रोड्स, नंबर 3 पर आते हैं जंगल बॉय, नंबर 2 पर आते हैं जॉन मॉक्सली और नंबर 1 पर आते हैं एडम पेज और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन डार्बी एलन और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और हमें इस वीक भी AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि गाइज मैक्स कैस्टर इस टॉप 5 रैंकिंग से बाहर हो चुके हैं और जंगल बॉय और कोडी रोड्स इस टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर एक एक कदम आगे बढ़ चुके हैं और पावर हाउस हॉब्स इस टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नए से नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं। जो चेंजेस हमें इस वीक के AEW के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स में देखने को मिले हैं। और गाइज यही थी इस वीक की AEW की ओवरऑल टॉप 5 रैंकिंग्स। जिस टॉप 5 रैंकिंग्स के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। लेकिन गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज आप AEW की ऐसे ही सभी रेगुलर अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने के लिए हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन के ऊपर आपको ये सभी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से भी पहले पता चलती है और हमारे चैनल के ऊपर आने वाला सभी कंटेंट आपको उस एप्लीकेशन के अंदर हमारे चैनल के ऊपर आने से भी पहले पता चलता है। और इतना ही नहीं बल्कि आप उस एप्लीकेशन के अंदर AEW के फुल मैचेस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज ये सब चीजें एकदम फ्री में देखने के लिए हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना और गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि गाइज हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा फार अलग है और वो तरीका क्या है आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW ने हाल ही में कौन से सुपरस्टार को अपनी कंपनी से फायर कर दिया है। तो गाइज अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि एक और ब्लैक वेंसडे के ऊपर WWE ने अपनी कंपनी से करीब करीब 10 सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया है। पर गाइज हाल ही में AEW के बैकस्टेज से भी ऐसी एक रिपोर्ट आ रही है जो हमें बताती है कि गाइज प्रोबेबली AEW ने भी एक सुपरस्टार को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है और गाइज ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट एवर AEW विमेंस टैग टीम कप टूर्नामेंट के विनर केवन हाफ इवलिस है। तो गाइज मैंने आपको कुछ दिन पहले बात करते हुए बताया था कि इवलिस का AEW के बैकस्टेज में किसी ट्रेनर के साथ झगड़ा हो चुका है और गाइज इसी कॉन्ट्रोवर्सी के चलते प्रोबेबली इवलिस AEW के डायनामाइट शो के ऊपर या फिर AEW के टेलीविजन के ऊपर किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो रही। पर गाइज हाल ही में इवलिस ने एक ट्वीट किया था जहां पर बात करते हुए इवलिस ने कहा कि हिस्ट्री ऑटोमेटिक रिपीट हो रही है और उन्हें उनकी कंपनी से इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने मिस ट्रीटमेंट के ऊपर आवाज उठाई थी, जो ट्वीट हाल ही में इवलिस ने किया था। लेकिन गाइज फिलहाल के लिए ये ट्वीट इवलिस ने डिलीट कर दिया है। लेकिन गाइज हम इस ट्वीट से समझ सकते हैं कि प्रोबेबली AEW ने इवलिस को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है और मुझे लगता है कि बैकस्टेज में AEW के किसी कोच से झगड़ा यही रीजन हो सकता है कि जिस वजह से AEW ने इवलिस को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। लेकिन गाइज जहां तक बात है इवलिस की, तो गाइज इवलिस ने अपने रिलीज के ऊपर स्टेटमेंट देते हुए थंडर रोजा को ब्लेम किया है कि थंडर रोजा के वजह से AEW कंपनी ने इवलिस को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। और यहां पर इवलिस का कहना है कि गाइज थंडर रोजा AEW कंपनी के अंदर बैकस्टेज में इवलिस का नाम खराब कर रही थी और इसी के ऊपर जब इवलिस ने आवाज उठाई तो गाइज इवलिस का AEW के बैकस्टेज में किसी कोच के साथ झगड़ा हो गया और इसी मिसबिहेवियर के चलते AEW ने इवलिस को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सब की शुरुआत थंडर रोजा ने की थी, जो स्टेटमेंट हाल ही में इवलिस ने अपने AEW कंपनी से रिलीज के ऊपर दिया है।
जिससे इवलिस तो कहना चाहती है कि गाइज यहाँ पर थंडर रोजा ने अपने पर्सनल बीफ के चलते AEW के बैकस्टेज में इवलिस का नाम खराब किया और इवलिस AEW के बैकस्टेज में अपना नाम खराब होता हुआ नहीं देख सकती थी, जिस वजह से ही उन्होंने झगड़ा किया। और गाइज इसी झगड़े के चलते AEW ने इवलिस को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है, जो बात कहकर इवलिस ने अपने रिलीज का पूरा ब्लेम थंडर रोजा के ऊपर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि थंडर रोजा की इवलिस की स्टेटमेंट के ऊपर क्या रिप्लाई आता है। पर गाइज ये पहली बार नहीं कि इवलिस को किसी बैड बिहेवियर के चलते किसी कंपनी से रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि गाइज इससे पहले जब इवलिस WWE कंपनी के लिए काम कर रही थी तो गाइज WWE कंपनी से रिलीज होने के लिए भी इवलिस का सेम रीजन था कि गाइज इवलिस का WWE के बैकस्टेज में बिहेवियर अच्छा नहीं था, जिसके चलते ही WWE ने इवलिस को रिलीज किया था। और अब यही सेम चीज AEW कंपनी में भी हो चुकी है। तो गाइज मुझे तो लगता है कि इवलिस को अपना बिहेवियर सुधारना चाहिए, क्योंकि अगर उनका बिहेवियर ऐसा ही रहा तो गाइज प्रोबेबली इवलिस का रेसलिंग करियर भी खत्म हो सकता है, और क्या पता कोई रेसलिंग कंपनी इवलिस को अपनी कंपनी के अंदर साइन भी ना करे। लेकिन गाइज इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि क्या थंडर रोजा ने सच में ऐसा किया होगा, और क्या आप इवलिस के स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन और सबसे फाइनल अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर क्या हुआ, और इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर जाकर टोनी खान और केनी ओमेगा ने क्या क्या कहा है। तो गाइज हम इस वीक इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जाकर AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है। और गाइज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर केनी ओमेगा और टोनी खान से कई सारे सवाल पूछे गए, जिन सभी सवालों का जवाब केनी ओमेगा और टोनी खान ने दिया है। पर गाइज इस पूरे के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दो तीन चीजें नोट करने जैसी थी जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो ये है कि गाइज टोनी खान को भी लगता है कि केनी ओमेगा रेबिलियन पेपरव्यू के अंदर इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रिच स्वान को हराकर नए बोथ AEW एंड इम्पैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले है। पर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात करते हुए टोनी खान ने यह भी कहा कि गाइज जो कोई ये टाइटल यूनिफिकेशन मैच जीतेगा वो सुपरस्टार आगे चलकर इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW इन दोनों ही शोज के ऊपर अपीयर होने वाला है, क्योंकि गाइज चैंपियन बनना किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट करने की बात आती है, और टोनी खान नहीं चाहते कि कोई चैंपियन किसी कंपनी के ऊपर ना जाए, जिसका मतलब कि अगर रिच स्वान केनी ओमेगा को AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हरा देते हैं तो गाइज हमें रिच स्वान भी AEW कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पर यही अगली नोट करने वाली बात टोनी खान ने यह कही कि गाइज टोनी खान को नहीं लगता कि इम्पैक्ट रेसलिंग इस मैच के अंदर एक न्यूट्रल तरीके से डिसीजन लेने वाली है, और यहाँ पर उन्हें लगता है कि इम्पैक्ट रेसलिंग किसी न किसी तरीके से केनी ओमेगा को स्क्रू करने के लिए ट्राई करने वाली है। जिसके चलते टोनी खान ने यह कहा कि गाइज टोनी खान खुद से इम्पैक्ट रेसलिंग के रेबिलियन पेपरव्यू के ऊपर आने वाले है, और यहाँ पर टोनी खान अकेले नहीं आने वाले, वो यहाँ पर AEW के रेफरी ऑब्री एडवर्ड्स के साथ आने वाले है, जो कि प्रोबेबली इस मैच के अंदर रेफरी का रोल करेगी। और यहाँ पर ऑब्री एडवर्ड्स ये ध्यान रखेगी कि यहाँ पर इस मैच के अंदर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा को इम्पैक्ट रेसलिंग किसी भी तरीके से स्क्रू ना करे। जो देखा जाए तो टोनी खान ने कहे हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मुझे लगा आपको जान लेने चाहिए। तो इसके बाद इस राइवलरी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, या आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि ये टाइटल यूनिफिकेशन का मैच कौन जीतेगा। पर अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा कि गाइज ये टाइटल यूनिफिकेशन का मैच April 25th यानी कि इंडिया के टाइम के हिसाब से April 26th को होने वाला है, जहां पर हम इस मैच का रिजल्ट भी कवर करेंगे और जानेंगे कि कौन बना नया इम्पैक्ट रेसलिंग का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लेकिन गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी, और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर गाइज हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट Wrestling. Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?